एमपी पुलिस ने एक बार फिर अपना फर्ज निभाया है। एक भारत की बेटी जिसकी शादी पाकिस्तानी मूल के लड़के से हुई थी, एमपी पुलिस ने उसकी फरियाद सुनी है। दरअसल पुलिस के पास एक युवती पहुंची। युवती जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी और उसकी शादी पाकिस्तानी मूल के लड़के से हुई थी, वो भी झूठ बोलकर। लड़की ने लड़के का सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला, तब उसे पता चला कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है, लिहाजा वो भागकर भोपाल में काम करने वाले एक दोस्त के पास आ गई। एक युवक युवती कहीं बाहर से आए हुए हैं और रह रहे हैं। तहकीकात की गई तो मूल जम्मू कश्मीर, मूल के जम्मू कश्मीर के रहने वाली है, भारतीय मूल की ये युवती। प्रियंका कलगोत्रा नाम है ये। अपने लिविन में इसके ही साथ में एक मंजीत नामक है, जो ये भी मूल के जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, उसके साथ रह रही थी। यहाँ भोपाल गोविंदपुरा थाना अंतर्गत जैसे ही सूचना मिली, ये प्रधान आरक्षक सोनिया पटेल, अन्य पूरी टीम सुनील राठौर और ये मौके पर पहुँचे तहकीकात की, तो सूचना समझ में आया इसमें कि मूलतः ये सोनिया जो प्रधान आरक्षक को ये बताया बयान पत्र में, इसने प्रियंका कलगोत्रा उधमपुर की रहने वाली है, इसके परिजनों ने एक रोशन नामक व्यक्ति के साथ में इसकी शादी कर दी थी। 2 दिसंबर 2022 को इसका शादी हुई। शादी के बाद जब इसको पता चला कि ये पाकिस्तानी मूल का रहने वाला है, इसको दुबई में अपनी नौकरी जहाँ पर वो करता व्यक्ति वहाँ ले जाने वाला है, और इसकी विचारधारा और झंडे वंडे सब इसके फेसबुक पे वाले चीज़ों पे जो देखे इसने, ये तो पाकिस्तान का है, तो उसने रहने से मना कर दिया। दरअसल भोपाल की गोविंदपुरा थाना पुलिस के पास उधमपुर पुलिस का फोन आया कि हमारे यहाँ एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जो आपके थाना क्षेत्र के आसपास ही रह रही है। जिसके बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात की और दोनों से संपर्क किया, तो युवती ने पूरा मामला पुलिस को बताया। फिलहाल युवती अपने भोपाल वाले दोस्त से ही शादी करना चाहती है। भोपाल से इजहार हसन खान की रिपोर्ट, एमपी तक।